स्पेशल मेहमान जिनको मैंने बुलाया था बिकॉज इज इज अशनल चैम्पियन फर्स्कवाश इज अ वर्ल्ड फॉर स्क्वॉश बट मुझे अभी बड़े बड़े के मैं तो अब सोच रहा हूँ मैं बंद करूँ और मैं जाऊँ फरहान महबूब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं ही इज ए टाइम्स एशियन गोल्ड मेडलिस्ट फॉर स्क्वॉश इज द एलेवन टाइम नेशनल चैम्पियन फॉर पाकिस्तान इज द वर्ल्ड Junior champion twice. He's the Asian junior champion twice. He's also, he has 14 international titles. And most recently, he got the Pride of Performance Award from the President of Pakistan. Sir, thank you so much for being part of the show. I don't know, thank you so much for having me here. And I also follow you a lot. Okay, okay. So your, <laughs> Mashallah, content, very good. And I have followed you a lot. And I already have a lot of information about <laughs> तो टैलेंट को पाकिस्तान में जहरी बात है प्रमोट करना चाहिए वो जिस फील्ड में भी हो हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट फरहान भाई मुझे पहले ये बताइएगा कि आ, अब तो खुद वैसे तो मुझे समझ आ गई पहले मैंने पूछना था कि आप स्कॉश में किधर लग गए भाई किस किस, किस उसमें फील्ड में बट अब तो आई अंडरस्टैंड कि ये तो आपके रगों, रगों में है क्योंकि स्कॉश जो है वो काफ़ी छोटी उम्र से शुरू की जाती है क्योंकि इफ़ यू लर्न स्कॉश सो यू हैव टू स्टार्ट स्कॉश लाइक अंडर टेन मतलब द एज ऑफ अंडर टेन क्योंकि आपको काफ़ी सीखना पड़ता है लाइक like, uh, तकरीबन चार साल तो मैक्सिमम आपको दो साल मैक्सिमम सीखने में लग जाते हैं फिर आप एक जूनियर इंटरनेशनल जूनियर के लेवल में आने के लिए भी आपको ऑलमोस्ट फाइव इयर्स टू प्ले स्कॉश जूनियर में क्या होता है व्हाट्स व्हाट्स द एज द इंटरनेशनल जूनियर में ये होता है कि आप जब पार्टिसिपेट करते हो इंटरनेशनली लाइक ब्रिटिश जूनियर यूएस जूनियर में तो नेशनल जूनियर्स और इंटरनेशनल जूनियर्स में वे uh, डिफरेंस अच्छा। क्योंकि वो जब आते हैं आपके पास जो आपके वो होते हैं ओपोनेंट्स होते हैं जितने भी होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं लाइक वी हैव टू मैच विद इजिप फ्रेंच और अमेरिकन तो वो इतने टफ आते हैं और फिर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है uh, जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो okay, so एज ऑफ फोर्टीन में मैं गया था ब्रिटिश जूनियर के लिए फर्स्ट टाइम विद रहत खान right. जो जहांगीर खान के भी कोच थे right. तो जब मैं गया था तो मैं आई you know, uh, कोर्ट में फर्स्ट राउंड में जा रहा था तो मेरा एक घोरे के साथ मैच था uh. तो मैं इधर पीछे <laughs> कोच को देख लू की घोरा है इतना लंबा ये तो मेरे एज के बराबर के और ये तो मतलब काफी लंबा है uh. तो मैं जब कोर्ट से आया तो मैंने कहा हम लोग ऐसे ही करते थे कि उस्ताद जी तो बहुत लंबा है मतलब मैं ये बड़ा है एज में बहुत बड़ा है कहते नहीं नहीं गोरो की हाइट बहुत लंबी होती है <laughs> ये तुम्हारे जितने चौदह साल के मैंने कहा नहीं ये चौदह साल के नहीं यह पच्चीस साल का <laughs> तो खैर जब मेरा उसके साथ मैच था तो आई बीट हिम थ्री लव इन द फर्स्ट राउंड तो मैं आई वॉज सो हैप्पी तो वो मुझे कहता है कि फरहान दिस इज योर दिस इज नॉट योर एंड अभी आपके पास बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन रहते हैं क्योंकि द रोमियो शूर थ्री टाइम वर्ल्ड चैंपियन थ्री टाइम ब्रिटिश चैंपियन जो है वो मेरे साथ टाइम जूनियर में था तो वो स्टार्टिंग एज से कंटिन्यू जीतता आ रहा था ब्रिटिश जूनियर और yeah. उसका एक नाम था कि जिस तरह आप जहांगीर ख़ान जानशीर ख़ान का एक नाम है तो वो उसका एक नाम था कि रोमियो शूर और उसका मेरी बदकिसमत यह थी कि मेरा मैच उसके साथ क्वार्टर फाइनल में था और मुझे लोगों ने बहुत प्रेशराइज किया तो मुझे इजिप्शियंस भी कहते हैं यू प्लेइंग विद रोमियो शूज इज़ अ वेरी टफ़ गाय मैन ही कैन बी टू लाइक दिस मुझे और पसीने आ गए अब मेरा मैच कल है तो मुझे पूरी रात पसीने आ रहे हैं मैंने कहा मैं शावर ले लेता हूँ फिर मेरा वालद आया मुझे कहता है कि फ़रहान डरने की बात नहीं है तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो तुमने उसको जीतना है और प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया मेरे का यार ये तो सिर्फ प्रेशर ही बढ़ रहा है कोई मुझे यही तक क्यों नहीं बोल रहा मुझे कि फ़रहान खैर है इफ़ यू लॉस्ट ओके नेक्स्ट टाइम खेल लेंगे सारे मुझे कहते है जीतने है भाई जीतने है <laughs> पाकिस्तानी है तो कहते है जीतने खैर नेक्स्ट डे मेरा क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हुआ तो टू ऑल और एट ऑल अब वन पॉइंट अगर वो जीता या मैं जीता तो मैच मैं जीत जाऊंगा अगर वन पॉइंट और वो जीता तो वो जीत जाएगा रैली इज ग जो है वो आज चल रही है चल रही है काफ़ी लंबी रैली हुई तो मैंने एक निक शॉट खेला जो मेरा आज कल बड़ा फेमस शॉट है जो स्किल <laughs> शॉट्स है और मैं जब मैच जीता तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मैच जीत गया मैं इधर भी देख रहा हूँ उधर भी देख रहा हूँ ऊपर भी देख रहा हूँ तो रेफरी को मैंने बोला डिड आई वॉन्ट कहते यस यू वॉन्ट अच्छा उसके बाद मैंने रैकेट गिराया और नाचना शुरू कर दिया मैंने कहा मैं हारूँ या जीतूँ मैंने ऐसे प्लेयर से जीता हूँ मैं कि uh. वो कंटिन्यू पाँच छः साल से जीतता आ रहा था right. और लकीली आई वॉन्ट जूनियर फॉर फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स ऑफ कैप मतलब जानशेर मामू मेरा बारह साल पहले वो टूर्नामेंट जीत चुका था उसके बाद कोई पाकिस्तानी didn't want that tournament और right. i won that tournament after 12 years and that was what what year that's 15 years ago uh, uh 15 years ago yes so in 2004 434 i think right, ha. six haji acha and then uh, you know you've been playing since then 14 ki aur ja. aapki ну, training start proper professional training कब स्टार्ट हुई uh जब छः साल का था तो मेरी ट्रेनिंग इतनी रेगुलर नहीं थी स्मॉल ट्रेनिंग थी नॉर्मल ट्रेनिंग थी जब मैं दस साल का हुआ तो उसके बाद मेरी हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो गई जिसमें मुझे मेरी पिटाई भी होती थी अच्छा और इवन मुझ पे रैकेट्स जो होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग रैकेट वो मेरे इन पे टूटे गए <laughs> तो ये इस तरह इस्ट्रॉग बन गए थे मतलब मेरे टांगों पे रैकेट पड़ा जहाँ शेर मामू ने मुझे कितनी बार कोर्ट से शट अप कॉल दिया कहते हैं गेट आउट कहता है कि आ, यू। कहता है तुम फ्यूचर में इस नहीं खेल सकते तुम बहुत अनडिसिप्लिन बॉय हो मतलब मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तुम मुझे कहते हो कल खेल ले मामू कल खेल ले <laughs> मैंने कहा कहते इस तरह नहीं होती स्कोश बेटा ये स्कॉश है कोई और वीडियो गेम नहीं है कि तुम तो मुझे कहते हो कि कल खेल ले <laughs> तो वालिद ने भी काफ़ी मारा अम्मी ने भी काफी मारा तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा वो कहते ना पठानों वाला दिमाग है थोड़ा लेट समझ आया है कि नहीं यार तुम मेरा टैलेंट है फहरान तुम कर सकते यू कैन इट तो <laughs> right. उसके बाद आफ्टर ट्वेल्व मैंने I, स्टार्ट ट्रेनिंग सीरियसली फिर उसके बाद मैंने अंडर थर्टीन नेशनल जीता और फिर मैं थर्टीन ब्रिटिश जीता फिर ऐसे चलता रहा चलता रहा फिर सिलसिला अलहमदिल्ला विनिंग की तरफ काफ़ी अच्छा हो गया था जबरदस्त, जबरदस्त। एंड देन यू अगेन आपके ग्यारह दफ़ा तो आप नेशनल जीत चुके हैं um, आठ एशियन गेम्स, गेम्स, गेम्स भी है और हमारे चैम्पियनशिप होता है जिसमें यही सारी कंट्रीज होती है ऑलमोस्ट तो ये एशियस जो है मेरे वो है जिसमें मेरे आ, लास्ट साउथ एशियन गेम की भी गोल्ड मेडलिस्ट है राइट right. um, और इंटरनेशनल फोर्टी इंटरनेशनल टाइटल फोर्टीन तो uh, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ऐसे है कि आप किसी कंट्री में भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे है जो प्राइज मनी वाले टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जिससे आपकी रैंकिंग बिल्ड होती है मतलब यू कैन विन यू कैन पुट योर रैंकिंग हायर तो इस तरह मेरे वर्ल्ड नंबर 16 पे मेरी रैंकिंग चली गई थी uh, 700 से 16 पे अच्छा uh, तो इट्स वेरी टफ टू यू नो प्रमोट योर रैंकिंग कहते हैं ना कि मतलब आप अपनी रैंकिंग को एक अचीव करते हो तो आपको बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं मतलब हाँ। सुबह शाम नहीं देखनी पड़ती रात नहीं देखनी पड़ती ट्रेनिंग जस्ट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग तो ये एटीन टूर्नामेंट्स मेरे जो फोर्टीन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है इसमें मेरे काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स है जो कि मैं अमेरिका में इंग्लैंड में कुत में इंडिया में अच्छा <laughs> पाकिस्तान में जीता हूँ जबरदस्त मुझे ये बताएं कि स्कोश टाइम था जब पाकिस्तान और स्कोश वज टुगेदर right and now we i mean this is this, i'm hearing this after a very very long time and to be very honest i have never seen coverage even aapke ye sare titles i'm sure recent ke bhi honge ji um why do you think squash took took a back seat and we saw this the same thing happened with hockey as well कि पाकिस्तान की टीम ऐसी होती थी कि वो, वो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी और फिर हॉकी तो आप पूछता भी नहीं है कोई a very good question मुझे मिल आ, क्योंकि ये मुझसे कोई अक्सर लोग करते हैं लेकिन उस पर मेरा यहाँ आने का आज मतलब ये था कि मैं अपनी आ, जो भी प्लेटफॉर्म मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलती है तो यू नो आई मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकूँ लोगों तक क्योंकि स्कॉश ने एक बहुत आ, आपको भी पता है कि बहुत बड़ा नाम दिया हुआ है पाकिस्तान को लाइक इन नाइनटीन फिफ्टी वन दे वन देयर फर्स्ट वर्ल्ड ओपन टाइटल

और फैमिली को और मैंने कहा ले आगे हो जी जाए मैंने कहा मेरे अबू की गेम नहीं है भाई या मैंने किसी को बंदूक लेके ना पकड़ा नहीं हो कि भाई जाओ साइड पे जाओ ये गेम मेरी है <laughs> मैंने कहा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है कोई भी आके खेल सकते हैं लेकिन बीट मी इजीली राइट लेकिन ऑन ईयर देर ने मतलब कहते हैं मैंने अभी मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसे होता है कि अप एंड डाउन बीट कर चुके हैं मुझे right. इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने उनको जानबूझ के पाया कि रेफरी भी मेरा होगा अंपायर भी मेरा होगा, <laughs> होगा क्राउड भी मेरा होगा कोर्ट भी मेरा होगा नहीं सारे खेलते हैं अच्छे खेलते हैं मतलब लोगों को ये सिर्फ नेगेटिविटी uh, की तरफ जाते हैं और गलत जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो बनाते हैं कि यार ये फैमिली बदमाशी और ये वाकई में ट्रू है कि अच्छा। लोगों ने हमारे ऊपर ये चीज़ बनाई है अच्छा और आप यकीन करें मजमिल ये फेडरेशन तक पाकिस्तान एयरफोर्स जो हमारा फेडरेशन है जो एयर चीफ मार्शल है वो हमारे प्रेसिडेंट है वाइस चीफ़ जो होते हैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो ये मीटिंग्स में एजीएम मीटिंग्स में बाकायदा बोली गई है कि ये बदमाशी करते हैं हमें बदनाम करने के लिए हाँ। कि भाई जानशेर ख़ान की फैमिली है और सारे कोर्ट्स उन्होंने ब्लॉक किए होते हैं जब वो घर से आते हैं तो कोर्ट ब्लॉकड हो जाते हैं फोन पे कि भाई किसी को जाने नहीं देना जब हम लोग खेलेंगे हम लोग ख़त्म करेंगे फिर उसके बाद जाने देना तो ये मुझसे काफ़ी दफ़ा प्रेस में भी सवाल किए गए और फेडरेशन ने भी सवाल किए गए तो मैंने उनको बोला कि सर कोर्ट्स एयरफोर्स के हैं कोर्ट्स नेवी के हैं कोर्ट्स आर्मी के और कोर्ट्स के पी गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के हमारे अपने नहीं है अगर हमारे अपने होते हैं तो वो अलग बात होती लेकिन ये कोर्ट्स उनके हैं वहां पे आप लोगों के ही फेडरेशन के लोग बैठे होते हैं एयर फोर्स के बंदे बैठे होते हैं वर्दी वाले होते हैं जो हाँ। और वो किसी को वो नहीं करते तो मैंने कहा ये गलत कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बदमाशी करते हैं ये करते वो करते बदमाशी हमारी यहाँ चल जाएगी हाँ। बाहर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलेगी हाँ। तो मैंने कहा मैं बाहर क्यों परफॉर्म पर कर रहा हूँ और पाकिस्तान में अभी ओनली फरहान में फरहान महबूब यार वो परफॉर्म कर रहा है uh -huh. मैंने परफॉर्म किया तो आपके सामने मेरी आज परफॉर्मेंस पड़ी हुई है मुझे अवार्ड मिल गया है राइट तो इसका ये मतलब नहीं होता मुझे क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया 100%. मैंने बहुत स्ट्रगलिंग किया है हमारी फैमिली नॉट डेट की मतलब एक रिच फैमिली से हमारा ताल्लुक था एक छोटा सा गाँव है नवाकली न्यू विलेज जिससे वर्ल्ड चैम्पियंस निकले हैं मेरी फैमिली से ही निकले हैं हाँ। और उन्होंने मोर देन थर्टी फाइव ईयर्स जो है पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड पे उन्होंने एक, एक रूल किया हाँ। एक राज किया तो मैं जब खेलता था तो मेरे पास मेरा वालिद जो था उसका एक बाइक था अच्छा। उस बाइक में मैं और मेरा भाई स्कॉश जाते थे और स्कॉश से वापस आते थे हाँ। तो मेरे पास टूटा हुआ रैकेट था पटे हुए शूज थे मैंने कभी भी अपने वालिद को ये नहीं बोला कि मतलब अबू मेरे लिए यू नो यू कैन बाय मी आ न्यू रैकेट यू कैन बाय मी आ न्यू शूज वो कहते हैं नहीं तुम्हारे अंकल ने पटे हुए शूजों से वो पटे हुए रैकेट से मतलब टूटे हुए रैकेट से स्कॉश शुरू किए तो तुमने भी करनी है आ, कहते वरना स्कॉश मत खेलो बैठ जाओ घर पे तो मैं बहुत रोता था मैं अम्मी के पास आके कर बोलता था क्योंकि अम्मियाँ बहुत अच्छी होती है कहते हैं बेटा तुम हमारे शहजादे हो तुम जो भी हो मेरे शहजादे हो तो वो अब्बू के साथ कभी कभी लड़ती भी थी कि इसको नया रैकेट लो तो मेरा अबू उसको कहता है कि अगर आज मैंने फ़रहान को नया रैकेट लेके दे दिया तो कल को ये दो की डिमांड करेगा फिर कल अगले दिन तीन की डिमांड करेगा तो वो कहते हैं कि लेट दम कि तुम खुद कमाओ मुझे कहते फ़रहान देखो ईज़िली टारगेट है अगर तुम अच्छे खेलने लग जाओगे अंडर 15 में तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली स्पॉन्स इंटरनेशनल आना शुरू हो जाएंगे right. और वही हुआ मैं जैसी फर्स्ट ब्रिटिश जूनियर टाइटल जीता रोमियो शूर से मुझे वहां पे पोल वाटर था और मुझे इंग्लैंड स्कॉश का एक रैकेट्स था इंग्लैंड स्कॉश के एक किट थी इंग्लिश इंग्लैंड स्कॉश के एक शूज थे उन्होंने मुझे कंप्लीट स्पॉन्सरशिप दिया अच्छा तो, और सिक्स मंथ की इक्विपमेंट दिए तो बड़े बड़े बैग थे तो मैं इतना खुश था कि पूरी रात में बेड पे सो के ना साइड पे ऐसे देख के ना बैग और किट को देखता तो <laughs> एक एक तस्वीर खींचता था खुशी थी हाँ। क्योंकि उससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था राइट तो भी बढ़ जाती है ना कि यार आई वर्क हार्ट फॉर कोर्स वो वैल्यू और वो जो आपको मिलता है ना उसका और शॉर्टकट का आजकल बहुत डिफरेंस है मैंने देखे आजकल प्लेयर्स हमारे शॉर्टकट अगर नहीं चले तो भाई कोचिंग के लिए चले जाओ कोचिंग में क्या होता है कि स्कॉश की कोचिंग करते हो आप किसी जगह पे भी तो मिनिमम आपको थ्री टू तो फोर लाख आराम से मिल जाते हैं प्लस हाउस वो स्मॉल हाउस मिल जाते हैं अपार्टमेंट प्लस कार तो ये आपको एक पूरा पैकेज कोच के उसमें मिल जाते हैं और अगर ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हो आप थोड़े से तो आपको सेवन टू एट या टेन लाख रुपीज भी मंथली मिल जाते हैं मतलब स्कॉश में कोचिंग में, में पैसे बहुत है हाँ। <laughs> कोई भी खेल सकता है अगर खेले ना तो कोचिंग करें लेकिन मैंने कभी भी कोचिंग की तरफ कभी भी पैसों के लिए स्कॉश नहीं खेली मैंने खेली अपनी फर्स्ट अपनी रिस्पेक्ट के लिए और अपनी कंट्री के लिए खेलिए कि मतलब मैं अपनी कंट्री का नाम के बाद जो गैप गैप आया आया था बहुत बड़ा उन्होंने like right. एक प्लानिंग की है हमारी क्या है और भाई शेर और जहांगीर पचास साल तक खेलेंगे उसके बाद फिर देखी जाएगी, जाएगी फिर देखी हाँ। जाएगी हाँ। तो वो सडनली शेर वॉज एंड उसके बाद अमजिद आया मंसूर जमान आया मेरा कजन आया राइट

तो मेरा कज़न था उसने जैसी स्कॉश को थोड़ा सा डिले किया मतलब तो वो कहते हैं ना सुस्ती आ गई <laughs> तो वो सुस्ती के साथ पीछे चला गया उसको अवार्ड मिला तमगा इम्तियाज़ उसके बाद उसने बिल्कुल स्कॉश की तरफ वैल्यू नहीं की तो वो सडनली ही विज वैनिश और रैंकिंग क्या इस टाइम उसकी नाइनटीन और नाइनटीन के बाद वो ऐसे ख़त्म हो गया कि उसकी रैंकिंग आज नहीं है हाँ। तो स्कॉश आपको चांस नहीं देता क्रिकेट की तरह कि आप थोड़ी सी कम कर लो या अगर मैं नहीं चला आ, <laughs> तो तुझे ही कैन डू इट या बॉलर कैन डू इट ना कि बॉलर आके बॉलिंग कर लेगा फील्डिंग अच्छी हो जाएगी स्कोश में आप ही हैं ऑन एंड ऑल डू एंड डाई वाली बात है या तो हारो या तो जीतो तो बेसिकली इट्स अ वेरी टफ स्पोर्ट्स तो right. इसमें जो टाइटल्स मैंने जीते हैं जो नाम थोड़ा बहुत कमाया ये एक तो माँ बाप की दुआ है फिर सेकेंडली मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि मतलब मैंने जहां भी अपना आपको देखा अच्छे लोग ही पाए मैंने और बुरे लोग भी बहुत पाए मुझ पर दो बैंड लगे थे अच्छा और उससे मेरा फ्यूचर जो वो कहते हैं ना कि बर्बाद ही कर दिया अच्छा उस दो बैंड ने क्यों लगे थे देखिए अगर आप पीक में आते हो तो लेग पुलिंग बहुत है राइट पॉलिटिक्स भी बहुत है तो सेम स्टोरी गोज टू विद मी वो कहते हैं कि मैं जब पीक पे था मैं सोलह साल का था और मैं वर्ल्ड नंबर था अच्छा। तो लोग कहते यार ये कोई वर्ल्ड चैंपियन ना बन जाए या कोई वर्ल्ड नंबर वन पे ना चला जाए या वर्ल्ड नंबर टॉप में ना चला जाए तो इतना तो अच्छा था मेरा माइंड सेटअप मुझे पता लग रहा था कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, है। लेकिन जब आपकी तरफ पूरा एक गैन होता है ना बुरा एक बड़ा ग्रुप तो माफिया टाइप तो वो आपको खेलने नहीं देती और मैं छोटा था तो वही हुआ मैं आज भी जूनियर्स को कहता हूँ कि इस चक्कर में नहीं पढ़ना मैंने क्या कि मैंने कुछ गलतियां की एक साल के लिए एक बैन लगा और ऐसा बैन लगा कि मुझे इंटरनेशनल टूर्स पे भी नहीं जाने दे रहे थे पाकिस्तान से अच्छा जी पाकिस्तान ने बैन लगाया था पाकिस्तान ने बैन लगाया था लेकिन इंटरनेशनल बैन लगाया हुआ था कि मतलब मैं इंटरनेशनल भी नहीं जा सकता और बात कोई नहीं थी हाँ। वो सिर्फ मेरी ये था कि मुझे उन्होंने पीछे करके ना डिग्रेड करके कि ये स्कॉश छोड़ दे लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया मैं स्टिल स्कॉश खेलता रहा एक साल तक और वो भी प्राइवेट कोर्ट्स में मुझ पर नेशनल कोर्ट्स बंद थे अच्छा मुझ पर इवन जो गवर्नमेंट के कोर्ट्स होते हैं ना वो फेडरेशन के साथ सपोर्ट में नहीं वो भी क्लोज हो गए थे तो मैं प्राइवेट क्लब्स में जाके ना खेलता था पैसे दे के उस टाइम जूनियर था तो मैंने मेंबरशिप की तो उन्होंने को जब पता लगा कि यार ये तो फरहान महबूब है क्योंकि स्कॉश में तो वो लोग मुझे जानते थे तो फिर मेरा मैनेजर उनका आया जो क्लब का ऑनर था वो मुझसे एक दिन मिला कहते फरहान तुम मुझे पता चला तुम पैसे दे रहे हो मैंने कहा जी कहते यार ये तो आपने ऐसी बात आज कह दी कहते मैं तो स्कॉश को जो है ना आग लगा दूंगा कि आप जैसा प्लेयर यहाँ पे पैसे दे के खेल रहे हैं तो मैंने कहा बस ऐसी ऐसी स्टोरी मैंने सुनाई कि मेरे साथ इस तरह इस तरह की बात हुई है तो वो कहते हैं ना कि प्लेयर अभी मुझे लोग कहते यार तुम्हारे तो बड़े मजे हैं तुम तो इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो पूरा वर्ल्ड फिर रहे हो मैंने कहा भाई मज़ों से पहले आपने मेरी ज़िंदगी देखी है मेरी हाँ। मज़ों से पहले वो जिंदगी थी ना कि आप अगर उसके बारे में सिर्फ सोच भी लो ना तो आप बोलोगे कि, कि मेरे दस नहीं सौ दफा सलाम को मैंने नहीं खेलना मैंने कहा कोई भी प्लेयर इस तरह इजी नहीं बनता हाँ। उसके पीछे एक डार्क पास्ट होता है और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा डार्क पास्ट था क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों से फाइट की अगर आपको मैं अभी नाम बोलूँ तो शायद नेक्स्ट डे मुझ पर फिर बैन लग जाएगा यकीन करे यकीन अच्छा। करे कसम से मैं कसम खा रहा हूं आपके शो में कि मुझे नेक्स्ट डे ही बैन कर देंगे अगर मैंने उन लोगों का नाम लिया ऐसे बड़े बड़े वो कहते ना कि बड़े बड़े उससे भी बड़े बड़े वेल है, वेल मगर <laughs> सामने क्या है तो अच्छा। मुझे ऐसे लोगों ने मतलब वो किया और मैं ऐसे रोता था कि अक्सर अम्मी के सामने आके बैठता था कि यार मैंने नहीं खेलना मैं नहीं खेल सकता अप हो गया था मतलब वो कहते हैं ना कि आप गिव अप कर चुके हो हाँ। तो मेरी अम्मी भी बड़ी अच्छी है वो मुझे कहती है नहीं तुमने खेलना है कहते आज कर लेंगे कल कर लेंगे इन्होंने चेंज होना है हाँ। चेंज होंगे ये तो मैंने अम्मी को बोला मैंने कहा नहीं एक चेंज हो जाएगा ना बाकी तो उधर ही है तो वो कहते नहीं तुम खेलो तुम परफॉर्म करोगे तो शायद एक को ही तुम समझ आ जाओ वो वही हुआ एक को ही मैं समझ आ गया और वो ऐसे बंदे को मैं समझ आ गया है ना कि वो आगे से ये वाले सारे उनके सामने कुछ नहीं थे मेरे वालद को उसने बुलाया एयर चीफ मार्शल थे हमारे प्रेजिडेंट थे तनवीर महमूद साहब मेरे वालद को उसने बुलाया कि फ़रहान कहाँ है किधर है फरहान कहते सर वो तो घर पे वो तो नहीं खेल रहा कहते फौरन नेक्स्ट डे ही मेरे हेड क्वार्टर में मेरी ऑफिस में एयर चीफ कह रहा है फरहान होना चाहिए अच्छा मैं आया तो मेरे उसके ऑफिस में काफ़ी रो रहा था मैंने कहा सर ये है वो है कहते है, बस मैंने बोल दिया चुप कहते आज के बाद आप जो मांगोगे मैं दूंगा आपको तुम सिर्फ स्कॉश खेलो अच्छा तो मैंने जितने भी स्टोरीज देखी ना मैंने कहा यार ठीक है बहुत लोग होते हैं लेकिन जब आपके साथ अल्लाह और आपके नीयत और आप uh, की गोल्स हाई हो और ईमान पक्का हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता किसी काम से भी तो ये मेरी साथ इस तरह हुआ और फिर उसके बाद ये टाइटल शुरू हो गए माशा माशा ने uh, मुझे एक बात बताया आई एम वेरी क्यूरियस हाउ डिज द स्ट्रक्चर वर्क सो आई अंडरस्टैंड इज़ इज अ फेडरेशन फेडरेशन द रन पाकिस्तान एयर फोर्स आई नो के जो एयर फोर्स के अंदर तो पर्टिकुलरली आई रिमर इवन ई नाइन में बढ़ा है यहाँ पर स्कॉच कोर्स है वहाँ पर तो है बट प्राइवेट सेक्टर में Um, आपने क्लब्स की बात बोली और hmm. मुझे एज रैंडम इंडिविजुअल आई सी अ लॉट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड्स आई सी अ लॉट ऑफ टेनिस कोर्ट्स आई हैव नेवर रियली सॉर्ट ऑफ सीन अ स्कोश कोर्ट इतना ग्लैमरसली uh, तो क्या स्ट्रक्चर है प्राइवेट सेक्टर में और उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि काम अच्छा बच्चा है जो कि या एक एक, एक, स्क्वाशरेंट है जो कि अपने बच्चे को उसका चार साल का बच्चा है वो कहता है जी मैंने इसको स्क्वाच खिलानी है तो वे विल ही स्टार्ट बिकॉज ऑबियसली यू गाइज हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस तरह करना है वो टूटे हुए रैकेट से भी वो सिखा जाते हैं जी Um, हमें तो पता भी नहीं है कि क्या सीन है तो जनरल स्ट्रक्चर होता क्या है पाकिस्तान में आ, ऐसे होता है कि क्लब आ, जो क्लब जो क्लब्स होते हैं प्राइवेट क्लब उसमें आप प्रोफेशनल स्कॉश तो नहीं खेल सकते हो इवन यू नो यू हैव टू पिक कोच फॉर योर सेल्फ फॉर योर सन और जिस तरह भी होते हैं मतलब उसको आपने ऐसे लेवल में खिलाना के लिए आपको डेफिनेटली जाना पड़ेगा जो अकेडमीज़ है जो एयरफोर्स की अकेडमीज़ है बेस्ट वेन स्कॉश द बेस्ट वे ऑफ दर्न स्कोश वो आपको सिखाते भी हैं और अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो वह आपको फिर फ्री इक्विपमेंट भी देते हैं जिसमें रैकेट्स है शूज है वो है अब वो दौड़ नहीं रहा कि कोई भी बच्चा टूटे हुए रैकेट से खेलेगा right. अभी मैंने काफी बच्चे देखे हुए कि मतलब एक तो ये गेम यह है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव गेम है क्योंकि right. तो ये आप गली मोहल्लों में खेल नहीं सकते हो फिर दूसरी चीज ये कि आप लोगों की बदौलत जिस तरह आप लोग को, मतलब पूरा देख रहा है। तो ये क्योंकि आप लोग ही ये बात को आगे फैला सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल लेवल में ये होना चाहिए हाँ। कि देखिए अभी मुजमिल पूरा पाकिस्तान क्रिकेट तो नहीं खेल सकता नहीं खेल सकता ओनली ट्वेल्व प्लेयर्स कैन प्ले क्रिकेट ना कि मतलब वो भी सिलेक्टेड आएंगे स्कॉश में मैक्सिमम प्लेयर्स को आप खिला सकते हो राइट अगर इस गेम ने इतना नाम पाकिस्तान को दिया है वे तो वेरी स्कॉश और वेरी लाइक राइट लाइक इट्स इट्स जी बिकॉज जब आपके पास इतना आपके पास देखिए पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है फुटबॉल बनाने में जी ठीक है आपको पता है कि आपकी रैंकिंग टॉप हंड्रेड में भी नहीं आ रही फुटबॉल फेडरेशन का हर दिन एक नया स्कैंडल आ जाता है लेकिन फुटबॉल के बारे में सब बात करेंगे जिस चीज के बारे में आपको पता है टैलेंट एक्सिस्ट कर देखिए साफ सी बात है अगर मैं आज फुटबॉल की बात करता हूँ मेरे पास मुझे पता है पाकिस्तान के पास ही नहीं है जी मुझे इम्पोर्ट करने पड़ेंगे मुझे पता है के मेरे पास भरे पड़े हैं हैं वर्ल्ड कोचेस जो के आके ग्लोबल लेवल का 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 स्टैंडर्ड प्लेयर बना सकते लेकिन नहीं बन रहा देखिए हमारे कोचेस बाहर जा रहे, हैं। वो उन पे जाके कोचिंग कर रहे हैं हमारे ऑलरेडी हाँ। अच्छे, अच्छे लेवल पे चैंपियनशिप रही और वर्ल्ड चैंपियंस भी है जानशेर के बाद हमारे कोचेस मौजूद है चाइना में हमारे कोचेज है कोरिया में हमारे कोचेज है इजिप्ट में हमारे कोचेज गए हुए अमेरिका में डेरो डेर कोचेज हमारे कनाडा में हमारे कोचेज है ऑस्ट्रेलिया में हमारे कोचे हैं तो भाई आपके पाकिस्तान में कहाँ हैं आप सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब वो मेरे कहते हैं ना कि एक दिल बहुत खफा होता है हाँ. कि क्यों उस क्वेश्च के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा पाकिस्तान में मैं ये बार बार बड़े बड़े चैनल्स पर बोलता रहता हूँ हाँ. कि मैं बोल बोल के थक गया हूँ मैं सिर्फ अकेला अब पूरे स्कॉश के लिए बोल रहा हूं मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा कि मैंने अपना लाइन सीधा करना है कि भाई मेरा लाइन सीधा हो जाए बस बाकी हाँ। इधर उधर मेरे बाद बहुत से प्लेयर है फीमेल स्कॉश प्लेयर है जो बेचारे इस वक्त बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हैं हाँ। अगर मेरी ये हालत है तो उनकी हाँ बाहर से अभी रिसेंटली पाकिस्तान में से ऐसे था कि पाकिस्तान का कोई टूर गया बाहर इंटरनेशनली राइट right. तो वो जब उनको पता चला कि यार हमारी गेम इतनी अच्छी नहीं है उन्होंने पाकिस्तान को टाटा करके बाहर से खेलना शुरू कर दिया अच्छा। अभी कुछ प्लेयर हमारे अमेरिका से खेल रहे हैं कुछ कनाडा से खेल रहे हैं कुछ अर्मीनिया से खेल रहे हैं कुछ रशिया से खेल रहे उन्होंने ये नहीं कि स्कॉश को टाटा किया लेकिन उन्होंने उन प्लेयरों को इतनी रिस्पेक्ट दी कि आज वो हमारे कुछ प्लेयरों से रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग में बैठे हुए वो इसलिए कि वहां पे उन्होंने, उन्होंने उनकी टैलेंट टैलेंट को वो किया, किया, हाँ। और उनको जाना कि यार ये एक टैलेंटेड प्लेयर है हाँ। पाकिस्तान में प्लेयर रोल रहे हर जगह देखता हूँ क्रिकेट हर जगह देखता हूँ क्रिकेट ठीक है क्रिकेट को आप लोग सपोर्ट करो मुझे भी क्रिकेट पसंद है क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट थोड़े बहुत खेल चुका हूँ मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट को ना सपोर्ट करें लेकिन थोड़ा सा तो क्रिकेट के बाद भी बाकी स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा भी प्लीज़ आ जाए मेरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी वो है और मैंने ये काफ़ी जगहों पे बोला गया है कि प्लीज़ सपोर्ट करें कि पाकिस्तान में देखिए फीमेल कोश प्लेयर्स भी बहुत है और मेल्स भी है और ये एक मैक्सिमम काउंट तक आप खिला सकते हो इनको क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है।, है प्लेयर्स अच्छे होंगे तो उनके पास स्पॉन्सर ऑटोमेटिकली आ जाएगा पैसों वाले स्पॉन्सर भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अभी देखिए मैं कितना अच्छा हूं इतने टाइटल्स के बाद भी मेरे पास पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं है ये टाइटल्स अगर आप कंपेयर करें क्रिकेटर्स के पास तो क्रिकेटर्स के पास इंडिविजुअल में इतने टाइटल्स नहीं होते जो इंडिविजुअल्स मैं जीता हूँ अपने मुल्क के लिए इसके अलावा तो लाता दाद मेरे पास टाइटल्स है मेरे घर में ट्रॉफियों की जगह नहीं है मेरे पाकिस्तान कलर की जगह नहीं है कि मैं कहाँ रखूँ इसको जीतता जाता हूँ लेकिन कहां रखू लेकिन आपको क्रेडिट में मिलता क्या है जीरो मैंने उस दिन भी एक बहुत बड़े चैनल पे बोला मैंने कहा मुझे खुद शर्म आती है मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है अभी भी मैं कुछ जगह पे जाता हूँ तो मैं अपने ओन पैसे लगाता हूं। तो मैं ये क्या अपने अपने लिए स्कॉश खेल रहा हूँ अभी आप एक क्रिकेट के प्लेयर को जाके एक बोले ना कि एक छक्का लगाए ना छक्के के बाद देखिए उसके पास स्पॉन्सर होगा तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मत ही है सिर्फ हम लोग इस पाकिस्तान में क्या क्रिकेट को वो करेंगे प्रमोट करेंगे कहाँ गई स्कॉश कहाँ गई आज स्कॉश के टाइटल्स निकाले तो स्कॉश के टाइटल्स अगर निकालो तो पाकिस्तान के पास क्या है कुछ भी नहीं है ओनली वर्ल्ड वर्ल्ड कप है हॉकी के है और स्नूकर के है के पास मोर देन ट्वेंटी फोर वर्ल्ड कप टाइटल्स है तो ये कहाँ जाएंगे इतना बड़ा नाम किया हुआ है प्लेयर्स ने तो मैं कभी कभी बहुत खफा हो जाता हूँ कि यार अगर इतना खेलते हो भी हो आप लोग कंट्री के लिए और उसके बाद आपको क्रेडिट में कुछ नहीं मिलता तो

आ, uh, वो भी यही कह रहे थे कि यार ई e स्पोर्ट्स के साथ पाकिस्तान में ज्यादती होती है बस क्रिकेट ही रह गया है uh, मेरे पास वो आए थे जो अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट सर कर आई है टीम जी um, मैंने जी उनके बारे में सुना था हाँ जी साद मुनवर सो uh, so साद मुनवर आए हुए थे ही वॉज वेरी क्लोज विद दी गाय जो रिसेंटली पास यार मेरे ब्रेन को क्या हो गया है uh, बड़े मशहूर माउंटेनियर जो अभी इनकी डेथ हुई थी और पूरा पाकिस्तान वॉज वेरी um, uh,

कि वो बूढ़े हो जाओगे बुढ़ापे में जाओगे तो बंदा बोलेगा ओ वो फरहान महबूब था 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 अच्छा वो भी ना हमें स्टोरी कैसी पसंद है अगर फरहान महबूब के पास स्पॉन्सर आ गए मेहनत करके स्पॉन्सर आ गए अगर फरहान महबूब एक अच्छे घर और एक अच्छी गाड़ी में और एक अच्छे कंफर्टेबल मरेगा ना तो वो कहेंगे कि यार इसने कुछ नहीं किया जितने भी वर्ल्ड टाइटल जी

मतलब सोरू से मतलब मैं, मैं एक वर्ड ऐसे इस्तेमाल करूं कोई भी कोई चीप काम करो छोटा हाँ। सा रिसेंटली आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा कोई नॉर्मल काम करो आजकल हाँ। मैं था कि दीवार पे उल्टा लटक लट लट जाऊं तो इसके ऐसे ही हो गए कि वो यार फरहान महबू पाकिस्तान को जो वो, ने प्लेयर, वो उल्टा लटका हुआ है हाँ। दीवार पे तो चलो उसको फेमस करते हैं इतना मुल्क के लिए खेलना आई लाइक like मैंने अपनी पूरी जिंदगी मतलब अपनी यंग एज जो है ना अपने मुल्क के लिए दिया है सुबह चार बजे उठते ट्रेनिंग करते हैं फिर बारह बजे ट्रेनिंग करते हैं छः बजे ट्रेनिंग करते हैं यहां पे एक बंदा या बंदी सिर्फ एक मिनट या हाफ मिनट की वीडियो बना के शेयर करो uh. नेक्स्ट डे

वो ठीक है चला गया उससे पहले मतलब कोई भी ऐसे कोई तो मैंने अभी यही चीज बोली है कि मैंने कहा यार हमारे पास यही काम रह गया कि अभी प्लेयर्स कुछ उल्टे काम करना शुरू कर दे तभी फेमस होंगे मैंने कहा मैं फेम के लिए ये नहीं करा लेकिन हमें अपनी एक रिस्पेक्ट तो चाहिए ना मैं आपको सीरीज बताऊँ जमिल मैं स्कॉश प्लेयर हूँ ना इंडियन जो नंबर वन है वो मुझसे पूरी लाइफ में कभी नहीं जीता राइट आज वो लड़का वर्ल्ड नंबर टेन में बैठा हुआ है टॉप टेन में बैठा हुआ है आप इमेजिन करते हो इंडियन प्लेयर टॉप टेन में बैठे हुए जो मुझे कभी भी नहीं जीता और उससे मैंने एक दफा पूछा था मैंने कहा सौरभ नाम है उसका तो मैंने उसको बोला सौरभ मुझसे हार गया था तो हम लोग बैठे हुए थे डिनर पे एशियन चैम्पियनशिप में तो मैंने उसको बोला मैंने कहा हाउ मेनी स्पॉन्सर यू हैव है मैंने कहा कितने स्पॉन्सर यू हैव है फरहान मुझे कंप्लीट तो नहीं पता मैंने कहा कितने स्पॉन्सर है तुम्हारे पास भाई? <laughs> <laughs> भाई मुझे कहते तुम्हारे पास कितने मैंने कहा मैं तुम्हें बात बताऊँगा तुम मुझे पहले बताओ कि तुम्हारे पास कितने स्पॉन्सर है मुझे कहते है मेरे अभी रिसेंटली एक स्पॉन्सर हुआ है तो वो दे गिव मी फोर करोड़ रुपीज इंडियन पर ईयर एक स्पॉन्सर एक उसको चार करोड़ रुपए इंडियन देता है तो, तो पाकिस्तानी दस करोड़ रुपए बन गए वो तो मैंने उसको ऐसे जरा लंबी से सांस ली <laughs> मैंने कहा चार करोड़ एक साल के मैंने कहा इससे तुम्हारा पूरा कहते नहीं नहीं ये मेरा एक स्पॉन्सर की मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने कहा वो स्पॉन्सर का नाम क्या है तो वो कहता है टाटा जो उनका बहुत मैंने कहा अच्छा टाटा मैंने कहा मेरी तरफ भी एक स्पॉन्सर है कहते कौन सा मैंने कहा बाय बाय दूर से मुझे कहते बाय बाय जाओ नेक्स्ट डे आना फिर मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट डे आऊँगा मैंने कहा कहते तुम्हारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो मैंने फिर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते हैं मैंने कहा थोड़ा तो मैंने कहा नहीं है लेकिन चार करोड़ वाला नहीं है <laughs> बहुत कम पैसे वाले स्पॉन्सर है तो मुझे वो कहते कौन मैंने कहा मेरे अबू <laughs> मैंने कहा मेरे पास वही कोई स्पॉन्सर पाकिस्तान में नहीं मैं रैकेट्स अभी तक मैं रैकेट्स अपने पैसे पर ख़रीदता हूँ तो मेरी ये एक वो है गुजारिश ये होती है ना कि मतलब कोई भी ये आवाज़ रिसेंटली कोई आगे डिलीवर करे कि भाई प्लेयर्स को सिर्फ मुझे नहीं ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं hmm. बहुत सी इवेंट्स है जिस तरह आपने अभी टेकन वाली की बात की मैंने उसको बड़ा वो किया और मुझे बहुत सारे स्पोर्ट्स को मैं फॉलो करता हूँ मैं ये नहीं है कि मैं अपना स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ स्कॉश में आई एम द स्कॉश प्लेयर तो मैं सिर्फ अपने स्कॉश को hmm. फॉलो करूँगा नहीं मैं सारे स्पोर्ट्स को बड़े शौक से देखता हूँ क्योंकि मुझे जब भी कोई पाकिस्तानी जीतता है मुझे बड़ी दिल से खुशी होती है हाँ। वो किसी फील्ड में भी हो वो स्पोर्ट्स में हो वो कोई अच्छा काम कर रहा हो मतलब तो जो आप लोग कर रहे हो क्योंकि मैंने आप लोगों को जब लास्ट टाइम भी देखा था वह प्राइम मिनिस्टर के साथ तो मैंने आपको उसी टाइम पहचान लिया था अच्छा। तो मैंने कहा आगे वाला है ना यही है <laughs> तो मुझे बड़ी खुशी होती है बजाय कि टिकट वाले वहाँ पर जाए तो क्यों ना आ, अच्छे वाले लोग जाएँ क्योंकि टिकट पर भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि यार वो तो एक नॉर्मल कंटेंट बना के मिलियंस फैंस ले रहे हैं तो उसमें भी कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा था तो, तो नहीं होता आई थिंक वो एक नेशनल कैरेक्टर की बात है कि यू नो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट टिकटॉक पीपल आई थिंक मैं हमेशा ये कहता हूँ क्रिएटर का मसला नहीं है या जिस तरह आपने कहा स्पोर्ट्स पैन का मसला नहीं है मसला कॉम का है कि कौम को आपने किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना तो वो फिर कौम उस तरफ जाएगी लाइक हम कहेंगे अगर हम कहेंगे टिकटॉक पे टिकटॉक पे अच्छे लोग बना रहे हैं लेकिन वो चीज़ वायरल नहीं हो रही नहीं हो रही वायरल जो चीज़ वायरल हो रही है दैट इज शोइंग यू मोर अबाउट द पब्लिक द व्यूअर दैन इट इज़ शोइंग अबाउट द क्रिएटर एंड सो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये ये वाली बात है कि टेकन वाली बात हुई यू पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है बड़ा जो नो टाइटल्स आ रहे हैं सारा कुछ आ रहा है सब वो आया हुआ तो लूमी आया हुआ था वो मुझे कहता है कि यार वो उसका यही है वो अपनी जेब से बैठ के ट्रेन कर रहा है अपनी जेब से टिकटें कटा कर लोगों को बाहर भेज रहा है बिल्कुल फिर वो टाइटल जीत कर आते हैं फिर वो उसके बाद थोड़े से चार पांच लोग आते हैं तालियां बजाने के लिए वो आ जाते हैं वो भी नॉर्मली नौ, उन्हीं के अपने गाँव के लोग होते हैं तो वो आगे थोड़ा सा जो है ना सपोर्ट कर लेते हैं बिल्कुल एंड देन इट्स ऑल गॉन एंड सो आई थिंक द वे दैर आई सी इट मुझे पहले तो ये बताएं गवर्नमेंट का जो जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका क्या रोल है क्योंकि उनके पास तो फंडिंग होनी चाहिए एक नेशनल स्पोर्ट की मुझे आफ्टर मुझे अभी ऑलमोस्ट सेवन इयर्स हो रहे हैं कि मुझे केपी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया हुआ अच्छा। और मैं काफी दफा वहां पे मतलब अपना वो पहुंचा चुका हूं जो कहते हैं ना कि है, मीटिंग right होती, so होती है उसमें क्या होता है सबसे पहले देखें जो भी बुलाता है पहले तो बुलाता नहीं उनको पता है कि यार जहरी बात है कुछ मांगेगा भाई मांगेंगे जहरी बात है मांगेंगे तो डिलीवर करेंगे नहीं दोगे तो क्यों डिलीवर करेंगे और कैसे करेंगे आजकल के दौर में कैसे डिलीवर करेंगे आप मुझे कोई भी प्लेयर बता दें कोई भी प्लेयर कि वो फ्री में जाके डिलीवर कर रहा हूँ मतलब फ्री में खेल रहा हूँ वो कैसे खेलेगा वो जेब से पंद्रह हज़ार रुपये का एक रैकेट या ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का एक शूज़ पेयर शूज़ वो कैसे खरीदेगा नो बड़ी के दस टू थिंग्स फिर उसके बाद आपने किट्स भी खरीदना है आपने हाँ। बैग खरीदना है ये कुल मिला के आपकी अगर पाँच रैकेट्स हो जाए ये कुल मिला के कोई तीन साढ़े तीन चार लाख रुपए का सामान है हाँ। जो एक प्लेयर के लिए लाजमी होना चाहिए तो कैसे खेलेगा सेवन ईयर्स में केपी गवर्नमेंट की तरफ बोलता हूँ मैं मिला मिलाऊँ काफ़ी अच्छे लोगों से मिला मिलाऊँ उनको मैं बोलता हूँ इनशाला बेटा तुम्हें तो बुलाएंगे इन शाह तुम्हें बुलाएंगे यार तुमने इतने टाइटल जीते हैं छोटी उम्र में वो यार ये तो बड़ी बात कह दी तुमने बस उसी दिन मुझे ऐसे होते ना कि बस अभी एक घंटे बाद मुझे बुला लेंगे लेकिन वो चलते 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 चलते, चलते सात साल हो गए हाँ। जब मैं अपने फेडरेशन के पास जाता हूँ फेडरेशन मेरी यही कहती है कि स्पॉन्सर्स नहीं है फंड नहीं है कहाँ से दें हाँ। तो जब आपके पास स्टार्ट में ही ये क्वेश्चन आ जाता है तो कहते यार इससे तो अच्छा कि ऐसे वाइट पेपर उनको दे दो क्योंकि मेरे पास कोई आंसर नहीं है सर मैं जा रहा हूँ तो, हाँ। तो इसके बावजूद भी मैंने टाइटल जीते हैं हैं देखिए मतलब 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 हमारा वो देखे, जनून देखे गेम के के लिए लिए अपनी कंट्री तो तो इससे बढ़कर बढ़कर और और मैं मैं क्या क्या करूं मतलब अक्सर लोगों के कहता हूं कि भाई क्या कर सकते हैं? मतलब इसके कर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा मुझे इंडिया ने ना स्पोर्ट्स को ग्लैमराइज कर सो so, ये वाला जो प्रॉब्लम है आज से पाँच साल पहले चले जाए और आपके पास असेंशली उसके साथ भी यही मसला था क्रिकेट के साथ भी यही मसला था राइट right? प्लेयर जो थे अगर हम उनको कंपेयर करते हैं इंडियन जो पैसे ले रहा था जो बाइक अब वो प्लेयर जो है ना वो क्या करता है कि वो आता है और वो आके आउट करके जो ना वो एक्शन बनाता है वो, यू, यू, करता है, वो यू, यू करता है वो यू यू करता है और वो से पैसे ले जाता है आई थिंक सो कैपिटलिस्ट निजाम है उसके अंदर ये एक है सिस्टम कि यू 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 नो हैव टू ऑफ बी परफॉर्मर एज एज मच आर एन एथलीट एंड सो इंडिया में मैंने ये देखा कि उन्होंने कबड्डी वर्ल्ड कप एक चीज शुरू कर जी बिल्कुल उन्होंने हर चीज के अंदर ना ग्लैमर डाला बिल्कुल अच्छा पाकिस्तान में मैं हूँ मैं बड़ा एक्टिवली फॉलो करता हूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है मेरी एक सीरीज भी आती होती थी मैं हर साल के पाकिस्तान में बताता था कि जी पाकिस्तान में क्या क्या जो है ना हमने अचीव किया मैंने ये टाइटल्स के बारे में सुना तक नहीं है जी यही बात है ना आपको यही मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी ने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था कि फरहान तुम इंस्टा पे हो तो मैं उसको इंस्टा नहीं दे रहा था मैंने कहा हूँ कहते तुम यूज़ करते हो तो मैंने उसको बड़ी शर्मिंदगी से बोला मैंने कहा बहुत कम हाँ। वाकई में बहुत कम मुझे कहते क्या तुम उसने मेरा इंस्टा देखा मुझे कहते फरहान तुम तो हो यार मैंने कहा मैंने कहा यार कहते तुमने तो इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई मैं तुम्हारी फॉलोअर्स क्यों नहीं है थाउजेंड्स हाँ। समथिंग मेरे फॉलोअर्स हैं मैंने कहा मैंने तो अपनी विनिंग की लगा दी अपनी नॉर्मल पिक्चर अच्छी वाली लगा दी प्राइजेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वाली लगा दी इससे बड़ी पिक्चर क्या है मेरे लिए मैंने कहा मेरी अच्छी कोशिश की है सारे लेकिन मैंने कहा यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा दरख्त के साथ पिक्चर लगा लेगा हाँ. गाड़ी के साथ पिक्चर लगा लेगा उसके ज़्यादा लाइक्स होंगे मुझसे उसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे मुझसे तो ये एक बात है कि मतलब मैं इन चीज़ों पर मतलब आ, बहुत ज़्यादा कोशिश की है मैंने लेकिन जब तक इधर मैं ज्यादा वो नहीं करूँगा मतलब मुझे लोग नहीं जानेंगे तो मैं कैसे अपने आप को प्रमोट करूँगा अंडरस्टैंड एंड बिलीव इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे बताएं क्या है व्हाट्स योर टाइटल व्हाट्स योर यूजर नेम फरहान महबूब महबूब विद ए एम ई एम ई एच डबल ओ बी फरहान डब्ल्यू ओ बी ठीक है 1000

ताकि मैं अपने आप को रियल में शो करूं मैं कोई फेक थॉट लीडरशिप है ना हाँ। थर्ट लीडरशिप है देखिए आपका जो बंदा जो जीत रहा है जो एक्सपोजर लेकर आ रहा है वो बताएगा ना कि किस तरफ जानी चाहिए इंडस्ट्री जा, बजाय इसके कि कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है जिसने कभी कुछ किया नहीं क्वेश्चन मेरा उसमें ये होगा मुझे बताएं पहले तो ये बताएं कि आपका करियर व्हाट्स द एवरेज करियर ऑफ ए स्कॉच प्लेयर्स द एज जिस वक्त करियर नॉर्मली चलता है पहले तो ये था कि पहले तो थर्टी फाइव था अब क्योंकि स्कॉश जरा डिफरेंट हो गई है क्योंकि उसमें स्किल्स गेम्स काफ़ी शुरू हो गई तो अभी उसकी एज तकरीबन चली गई थर्टी एट थर्टी नाइन तक ऑलमोस्ट फोर्टी तक, तक भी खेल सकते हो वो आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आप खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते बट नॉर्मली क्या होता है लोग कब तक खेलते हैं थर्टी अच्छा सेवन थर्टी सेवन तक खेलते हैं अच्छा प्लेयर अच्छा प्लेयर खेलता है मतलब वो सही फिट वाला प्लेयर खेलता है अच्छा आपकी फैमिली का कोई अपना कोई क्लब है नहीं क्या वजह थी इसकी जानशेर मामू ने मेरा कभी भी मतलब ऐसे कोई क्लब की तरफ सोचा नहीं है लेकिन मैंने उनको काफ़ी दफ़ा बोला है कि अपने एक ऑन क्लब बनाओ आ, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़ंड देगा तो मैं बना लूँगा लेकिन शायद वो फ़ंड की तरफ अभी तक गए ही नहीं लेकिन ये कि उसके नाम पे काफ़ी स्क्वाश कम्पलेक्स बन गए पी एफ स्क्वाश है आर्मी ने एक उसके नाम पर अभी रिसेंटली क्वार्टर का स्क्वाश जो कोर कमांडर हाउस के अंदर एक स्कॉश था बहुत बड़ा है और उसमें काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी हुए हैं वो जानशेर नाम के हो गया एप्टाबाज स्कॉश कम्पलेक्स जानशेर खान के नाम पे हैं इस तरह जहांगीर के नाम पे आ, नेवी का क्लब है और जो रेंजर्स के कोर्ट्स है तो उनके नाम पे बहुत बड़े बड़े क्लब्स बने हुए जिसमें लोग खेलते हैं और कमर हाँ। जमान के नाम पे बहुत बड़े बड़े क्लब है जिसमें लोग फ्री जाके खेलते हैं right. खेलते वो है। वही वाली बात है अगेन sort of, मैं इतना बड़ा उस तरह का वो हो चुका हूँ कि मैं एक को देखता हूँ उसके हिसाब से मैं, I mean, मैं उलूमी भी आया था उस दिन उसको मैं क्या यार दुख होता है इतना टैलेंट है और वो टैलेंट है अभी आप देखिये मेरे पास यही ऑप्शन है हालांकि मुझे अभी कितनी बार फैमिली से यही वो किया हुआ है कि फरहान लीव स्काश ना हाँ। तो मैंने कहा मैं ऐसे टाइम स्काश छोड़ूंगा कि मैं अभी जीत रहा हूँ अभी रिसेंटली मैंने टूर्नामेंट जीते हैं लोग बोलेंगे कि, कि क्या है कहते हैं तुम्हें पीक टाइम में कोई नहीं सुन रहा तो तुम छोड़ोगे तो तुम्हें कौन सुनेगा हाँ। देखिए ये रियलिटी है और ये रियलिटी ऐसी है कि मतलब मैं ऐसे फेडअप में आ चुका था ना मैं अब कुछ अर्सा पहले भी मैंने कोविड में स्काश छोड़ दी थी अच्छा। मतलब गेम छोड़ दी थी फिर मुझे अपने कोचेज हो गए या जो फेडरेशन थे वो कहते फ़रहान तुम हो कहाँ क्यों नहीं आ रहे हो भाई तुम तो वो ईद के चांद हो गए हो तो मैं उनको अक्सर बोलता था कि सर बस तंग हो गया हूँ स्पॉन्सर्स नहीं है वो नहीं है तो कब तक मैं भागता रहूँगा आप यकीन करें मैं ख़ुद भाग रहा हूँ मेरे साथ कोई बंदा ऐसे नहीं है कि कोई हेल्प आउट कर रहा है Hmm. इंटरव्यूज जो जितने आ रहे हैं मैं खुद अरेंज कर रहा हूँ मतलब मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं ये सारे right. जितने भी बड़े चैनल्स वाले हैं उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं जो शो के होस्ट है वो मेरे सारे खुद के दोस्त है hmm. और वो मेरे शायद अच्छाई देख के वो कहते हैं कि यार नहीं ये अगर टैलेंटेड प्लेयर है तो इनको हम लोग बुलाएंगे है. वरना मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता इवन मेरी फैमिली से मुझे मेरी फैमिली में मेरा जानशेर मामू बड़ा बैठा हुआ है मतलब उनको मैंने कितनी बार बोला है। लेकिन शायद वो इस चीज़ में नहीं है उसने मतलब इतना सपोर्ट नहीं किया मुझे वो शायद स्कॉश की तरफ गेम के बाद आए नहीं जहांगीर खान है तो अगर आप अभी आप कुछ सुन के हमारी स्टोरी को भी यही होता है तो यही हमारी रियलिटी है क्योंकि इसमें कोई चीज़ नहीं है मुझे दोस्त बोलते यार मैंने कहा जाके गूगल करो मेरे सारे टाइटल्स आ जाएंगे यूट्यूब जाके देखो मेरे सारे टाइटल्स आ जाएंगे एक बंदा होता है ना कि झूठ के सहारे पर इतने फॉलोअर्स ले रहे हैं झूठ के सहारे पर अपनी इतनी फेम ले रहा है हम लोग तो रियलिटी में कुछ नहीं है तो मैंने कहा कर क्या करें हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं मैंने कहा कभी भी नहीं करूंगा अगर मेरे कंट्री में लोगों को मेरी टाइटल्स मेरे रियलिटी इसके ऊपर वो नहीं होती तो मैंने वो कल को मेरे ऊपर लोग वाकई में गालियां देंगे ये ड्रामे कर रहा है से लोगों के आके सामने बैठ गया है झूठ पे रोना दो रहा है इतना बड़ा प्लेयर है मुझे काफ़ी लोगों ने बोले मैंने ट्विटर पर एक दफ़ा अपना एक वो दिया कि स्पॉन्सर्स नहीं है कैसे स्कोश खेलेंगे कैसे मुल्क का नाम करेंगे अब यकीन करें लोग मेरे पीछे पड़ गए ऐसे जैसे मेरे उस्ताद है मेरे मतलब पेरेंट्स बन गए तुम खेलो रोना बंद कर दो तो किसी ने अच्छे भी आंसर्स दिए नीचे बहुत अच्छे लोग कहते वो कैसे खेलेगा कहते हम लोगों ने फरहान को देखा हुआ है जीते हुए कहते वे उस टाइम तो कोई भी आगे नहीं आया कि भाई ये प्लेयर जीता हुआ है इसको कुछ दे ही दो एक दो पैसे ही दे दो कि यार वो आगे से अपने और टूर्नामेंट्स खेल ले कहते हो उस टाइम कोई भी आगे नहीं आता लेकिन जब आप हारते हो या आप अपना एक मैसेज कन्वे करते हो उस टाइम हर बंदा आपका जो है ना बड़ा बनता है रोना बंद कर दो ये बंद कर दो ये बंद कर दो वो बंद कर दो रोते रहते हो नेगेटिविटी फिर बरोबर मुझे मैसेज मिल गए मैंने कहा चलो यार इतने लाइक्स मुझे मिल गए ऐसे ऐसे हुए ना कि वो मुझे तकरीबन कोई दो हजार से ज्यादा ट्विटर मेरा ताज़ा ताज़ा बना था नया नया अच्छा मेरे फॉलोइंग नहीं थे उस पर भी इतनी फॉलोइंग है मतलब पंद्रह सो सोलह सो तो मेरे थे वन हंड्रेड समथिंग बहुत नया नया उस पर मैंने कमेंट्स देखो दो हजार अबाव मैंने कहा यार एक मैंने एक मैसेज ऐसे छोड़ा उस पर इतने ज्यादा उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपने एक विनिंग टूर्नामेंट का वो डाला उस पर किसी ने कुछ नहीं किया था I think maybe, uh, you know, I think what you're doing now, up, okay, you're, you're refusing to go ahead with this, you're making that noise, I think that's very, very important. Uh, I think, I also think that there's a certain level of commercialization that's required, which maybe your generation can Because I think if we've relied for far too long on government handouts. You can put तो कल कोई और गवर्नमेंट आएगी वो फिर से पैसा घुमाएंगी हाँ। और वो इधर उधर ले जाएगी बात है राइट right? बिल्कुल जब तक के हम इस इस स्पोर्ट के अंदर लाइक like, मुझे लगता है मैं यू नो महबूब विद व्हाट व्हाट ही ही हैज आई थिंक देयर देयर इज इज अ एन इनक्रेडिबल स्पेस इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर एग्जांपल कि आप एक प्राइवेट नेशनल टाइटल कराएं जिसके अंदर ही मैंने लूमी को भी ये बात बोली थी मैंने कहा कि हम पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी मिस करते हैं हम लोगों को लोगों का ना जो इंटरेस्ट डेवलप होता है देखिए अगर मैं स्क्वॉश कभी मैंने खेला नहीं ना बिल्कुल तो मुझे शायद उसमें देखने में इंटरेस्ट ना बने जी मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा शहरों में होगा बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट होगा रीजन में होगा मेरा इंटरेस्ट शायद होगा लैंग्वेज के अंदर तो मैं वो अलूमी एमएमए करता है ठीक है वो मुक्का था कि मुक्के सारा ये वो मैंने कहा यार मैं तो आई वुड लव टू वॉच अ स्पोर्ट जैसे मुझे जै, सुबह शाम मैं कराची लाहौर इस्लामाबाद की लड़ाइयाँ कर रहा होता हूँ कराची <laughs> बेहतर <बेतर, laughs> इस्लामाबाद बेहतर मैं कहूँ जी मेरा पहलवान और तुम्हारा पहलवान आए और आके अब एक दो आप डिसाइड करेंगे यार कराची बेहतर है या लाहौर बेहतर अब पूरा पाकिस्तान बैठ के देख रहा है जी लड़ाई हो रही है सो आई थिंक वो वाली चीज़ें भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है जब हमारे इवन क्रिकेट को उठा रहे जब तक क्लब क्रिकेट चल रही थी इधारों के पास तक क्रिकेट। जी बिल्कुल बिल्कुल आप इधारों से क्रिकेट इधारों को रखें मैं नहीं कह रहा हूँ उनसे क्रिकेट ले उनसे स्पोर्ट्स ले लें लेकिन आप सेपरेटली आप एक उसके अंदर एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी लेकर आए आई थिंक जो लीडिंग वॉइस हैं पीपल लाइक यू जो कि चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं मुझे ऐसा बंदा तो जाके स्क्वाश के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता बट जब तक वो लोग नहीं आएंगे और वो आके ये बात नहीं करेंगे कि यार और उसमें स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने वाली बात है कि अच्छा आ गया उसमें स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने वाली बात है कि जियो एज अ पब्लिशर भी आ जाए इन्वेस्टर भी एक आ जाए वो भी आ जाए और आप जाकर उस अब मुझे नहीं पता लाइक आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन पाकिस्तान कितने प्लेयर्स होंगे आ, जो कि हर लेवल के प्लेयर्स जो कि खेल रहे हैं इस टाइम प्रोफेशनली खेलने का सलाह के स्कॉश कोच के, के प्लेयर्स वक्त अगर मेल्स में देखा जाए तो मोर देन टू प्लेयर्स खेल रहे होंगे अच्छा और पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ये जो रैंकिंग वाली प्लेयर्स में आपको कह रहा हूँ हाँ। ये वो है हर रीजन में बैठेबाद बैठे से, से, से भी मिल जाएगा को बनू से मिल जाएगा आपको मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा शहरों में इज ग्लैमराइज बिटवीन शहर इतना प्लेयर नहीं है तो मैं कम अज कम कहता हूँ हर शहर का टॉप प्लेयर आएगा

जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम उसमें इंटर कराया तो आई वो आई लॉस्ट इन सेमीफाइनल तो उसमें ये था कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल प्लेयरों के लीग थे नेक्स्ट लीग में मुझे नहीं डाला थर्ड लीग में मुझे नहीं डाला फिर अभी फोर्थ लीग हो रही थी मुल्तान में उसमें आप यकीन करें कि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे फॉरनर प्लेयर और फीमेल फॉरेनर प्लेयर्स थे पाकिस्तान सिर्फ दो फीमेल्स थी और दो मेल्स थे अच्छा तो जब मेरी ये आवाज उठाई अपनी फेडरेशन में मैंने कहा कहांजे मसूद और एक प्रिंस उमर है थी right. तो मैंने उनको कि, पाकिस्तान के, huh. पैसे पाकिस्तान के कोर्ट्स पाकिस्तान का अकोमोडेशन एवरी थिंग पाकिस्तान का huh. मजे करे बाहर के प्लेयर huh. मैंने कहा हाउ इज पॉसिबल ना कि पाकिस्तान से आप लोग सिर्फ चार टोटल फोर प्लेयर्स और आप यक़ीन करें कि बाहर से उन्होंने ऐसे प्लेस मंगवाए थे कि वो हमारे बिगनर को भी ना जीत जाए hmm. उनको फिर अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने दिया लाइक सेवन टी एट थाउजेंड यू डॉलर उन्होंने दिए जस्ट टू कम टू पाकिस्तान एंड प्लेकोमोडेशन फ्री Uh, फिर कराया उन, उनके साथ जो पार्टनरशिप था पा, वो था उसका कोर कमांडर मुल्तान था आ, आर्मी थी सारी उसकी स्टे सारी ऑफिसर मैस में थी फूड एवरीथिंग इवन उनको टिकट भी उन्होंने दिया रिटर्न hmm. right. मैंने उनको सिर्फ एक सवाल किया मैंने कहा जब हम लोग बाहर जाते हैं uh. मैंने कहा वो गोरे हमें यहाँ तक नहीं पूछते कि आप लोगों ने खाना खाया uh. कमरे तो फ्री होते हैं रूम्स फ्री होते हैं जो टॉप प्लेयर्स है Right. लेकिन रूल्स ये होते हैं कि जब आप हाँ हारते हो तो आपको मिलता है, right. तो है, है, है उसको हेलीकॉप्टर के राइड्स आप लोग दे रहे हो ठीक है आप लोग उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो मैंने कहा आप अपने प्लेयरों को प्लान नहीं कि मतलब आप प्लेयरों को खत्म करना चाह रहे हो मैंने कहा आपके प्लेयर यहाँ पे जॉबलेस बैठे हुए पाकिस्तान में, में। जॉबलेस जिनके पास जॉब नहीं है मैंने कहा मुझे मत डालो उनको डाल दो कि वो एक हज़ार दो हज़ार डॉलर ही घर लेके चले जाएं भाई हाँ। उनके पेरेंट्स खुश हो जाए कि भाई मैंने बेटे को इतनी दूर मुल्तान भेज दिया है बस में सफ़र करके मेरा बेटा खाली वापस आ गया हाँ। तो मैंने कहा ये क्या है तो फिर मैंने ये आवाज़ उनको बोली तो वो कहते नहीं हम लोग कराएंगे ये है वो मैंने कहा कब कराओगे ये फोर्थ लीग आप लोग करा रहे हो जिसमें आप लोग सिर्फ अपनी मर्जी के प्लेयर उठा रहे हैं है, वो कहते हैं ना कि लाइक डिसलाइक वाली है अपनी मर्जी के प्लेयर उठा के पता है क्या कहते हैं उनको ना, मतलब को, कोई कोई रैंकिंग होनी चाहिए ना कोई रैंकिंग, पे, रैंकिंग पे, मैं कहता हूँ एग्जांपल आप पेशावर से हैं तो आप पेशावर के जी आप पेशावर का इंटर सिटी टूर्नामेंट कराएं उसके ऊपर जो जीतेगा वो जी नेशनल लीग में जा रहा है आप है ना मुजमिल आपको मैं लीग करा रहा हूँ आपको मैं बोलूँगा मुजम्मल मैं बस आपको तीन सौ डॉलर दे दूंगा बस अपनी जुबान बंद रखो अच्छा हाँ। वो ना नेक्स्ट टाइम नहीं डालूंगा मैं आपको लीक में आप बोलोगे यार मैं नेक्स्ट टाइम तीन सौ डॉलर से भी जाऊंगा तो बस मैं खेल लूंगा लेकिन उसमें मैं था मैंने कहा नहीं टीम को डालो ये प्लान है अभी काफ़ी बनी थी लेकिन आज तक इस पर किसी ने वर्क नहीं किया बाइट ये आपकी जो बात अभी की थी ना कि सिटीज लेवल की टीम चैंपियनशिप कराए जो हर सिटी से चार प्लेयर मेल चार फीमेल उठाओ जिस तरह जिस तरह ये क्रिकेट की लीग होती है अगर हाँ। इस तरह कराया जाए तो मैं आपको कहता हूँ विदिन ईयर गांव गांव में स्क्वाश का नाम हो बिल्कुल गांव गांव में स्कॉश का 100 नाम और आप देखिएगा आपको स्पॉन्सर कैसे और भी आएंगे कि भाई ये जियो हाँ। ने ले लिया या किसी और चैनल ने ले लिए किसी और तो इसमें होगा हो हाँ, हाँ, तो और सिर्फ पे लड़ा है, पंजाबी से, लड़ा है, पंजाबी स्पीकिंग से लड़ा भी है। भी हम लोग जब नेशनल लड़ रहे होते लड़े हैं तो उनको बजाय गालियाँ फेसबुक बैठ के एक दूसरे को मुकाबला करें मुकाबला करें मुकाबला करें देखें कौन बैठा क्राउड में चेयरिंग करें एक तरफ इसको बिठाए एक तरफ इसको बिठाए तो इसमें तो बहुत अच्छी प्लानिंग है मैंने ये कितनी बार बोला गया है कि सर लीग कराओ टीम चैंपियनशिप कराओ तो इसमें बिगिनर्स भी आएंगे जो नहीं खेल हाँ। सकते हैं उनको भी हमारे साथ मौका मिलेगा वो फिर घर जाके खुशी खुशी ये तो बोलेंगे भाई मैं टीवी में आया हूं, मैंने स्क्वाश खेली है अगले हाँ। दिन एक और को शोक चढ़ेगा हाँ। यार अच्छा ये मैं भी खेलूंगा स्कॉश लेकिन जब उसका ये हाल होगा तो कौन खेलेगा अंडरस्टैंडेबल वो वही होगा अभी आप है आपको मैं दो दफा मैचेस के लिए लेके जाता हूँ अपने स्कॉश के आप अगर इंटरेस्ट लोगे ना आप मुझे लाजमी बोलो कि फरहान आपका नेक्स्ट टूर्नामेंट कब आ रहा है यार ये तो बड़ी अच्छी गेम है इसमें तो बड़ी फाइट होती है आ, इसमें क्राउड बड़ी शाउटिंग करती है आ, मतलब उसमें अच्छी खासी फाइट हो रही होती है जब एक दूसरे के साथ हम लोग खेल रहे होते हैं आ, तो भागना ऐसे होता है ना कि जैसे आप बोलते हो ना कि वो कहते हैं ना कि वो जंगली शेर को छोड़ के ना भाग रहा होता है और एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं तो बड़ा इंटरेस्टेड गेम है और फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छी गेम है Right. तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है लेकिन इसको अगर अच्छे तरीके उठाना से प्राव उठाना पड़ेगा। एक एवरेज गेम कितने मिनट की होती है? आ, दो घंटे तक भी गई है और स्कॉश का ये भी अगर आपके गेम फोर्टी मिनट्स भी चली जाए ना तो उसको आप कंपेयरिंग करें तो क्रिकेट के साथ या अगर इविन अगर, अगर लॉन्ग टेनिस के साथ भी करें तो थ्री टू फोर आवर्स क्योंकि ये इतनी फास्टेस्ट क्योंकि द फास्टेस्ट गेम इन वर्ल्ड है अच्छा जिसमें आपके ऑलमोस्ट uh, पता नहीं कितनी कैलोरीज इस्तेमाल होते हैं uh -huh. और बॉल की स्पीड भी लाइक like 175 या 200 से भी किलोमीटर पर आर होती है और वो छोटी बॉल के पीछे भागना बड़ा टफ होता, थाफ होता है, है. बहुत टफ होता है झुकना भी पड़ता है uh -huh. तो कमर की तो वो हालत बन जाती है बंदा बोलते बस <laughs> मेरी तो कमर गई आ सो इट्स नॉट अ वेरी फास्ट आई मीन इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग गेम सो

तो आपको बड़ा इंटरेस्टेड वो फीलिंग आएगी कि यार शॉर्ट गेम है और बड़ी क्विक गेम है मेक्सेंस uh, फरहान भाई थैंक यू सो मच आपने बड़ी डिटेल में हमें आके यू नो एक्सप्लेन किया द प्रॉब्लम्स विद कॉश पर्टिकुलरली आई आई एम रियली सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तानी ऑडियंस के हम अपने हीरोज़ को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सके अनफॉर्चुनेटली जो कि वो डिजर्व करते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस टू द नेशन थैंक यू सो मच फॉर द टाइटल्स दैट यू वन फॉर अस एंड आई होप कि आप मजीद आगे जाएं और मजीद और बहुत सारे टाइटल्स टाइट्स नहीं मैं बहुत ज़्यादा मैं तो ख़ुद आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरी एक आवाज़ को मतलब आगे पहुँचाया जहरी बात है आप लोग जैसे जो है ना वही एक प्लेयर की या किसी भी एक टैलेंटेड बंदा है तो ऐसे लोग बहुत है जो अच्छे हैं जो आवाज़ उठाते हैं तो इसलिए भी जाना पड़ता है क्योंकि जहरी बात है कोई ना कोई आपका अच्छा एक जरिया बन जाता है और सिर्फ मेरा नहीं ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स का अगर सपोर्ट मिलेगी तो इन शाला तला मुल्क के लिए बेस्ट से बेस्ट खेल सकते हैं और वर्ल्ड टाइटल्स भी लेकर आ सकते हैं हंड्रेड परसेंट थैंक यू सो मच सर फॉर शो एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज मैं एक चीज़ में जरूर कहना चाहूँगा कि माँवी छठी दफ़ा डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ एम एम ए की मैंने बात की यू नो स्कॉश की बात हो रही है पहले माउंटेरिंग की बात हुई थी uh, बड़े सारे लोग मुझे आकर कहते हैं कि नो you know, हमने बिजनेस करना है दो करोड़ तीन करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने आखिर में दिमाग में ये आता है जी रेस्टोरेंट खोल लें इस तरह की चीज़ कर लें अगर आप ट्रूली पैशन है ना कुछ इंटरेस्टिंग करने में तो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द बिगेस्ट ऑपर अपर्चुनिटी अगर ये एक वर्ल्ड चैम्पियन आकर ये आपको बात बता रहे हैं तो आपको नजर आ जाना चाहिए कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है पहली बात ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर निकाल सकती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इंसेंटिव होता है पैसा कमाने में तो जब वो खुद पैसा कमाता है तो वो पैसा बनाना जानता है और बनाना जानता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है बट इसी के साथ साथ चाहे वो एम हो चाहे वो स्कॉश हो चाहे वो माउंटेनियरिंग हो दी स्पोर्ट्स कैन बी कमर्शलाइज्ड आप पूरी दुनिया में देख लें लीग्स होती हैं उसके ऊपर यूनो um, you know, uh, आपके कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेची जाती हैं बड़ा पैसा कमाया जाता है पी एस एल इज़ जस्ट वेरी वन वेरी वेरी स्मॉल एग्ज़ाम्पल बट अगर कोई भी स्मार्ट आदमी कमर्शलाइज़ करना शुरू कर दे एक एक करके और उस पर बड़ा आसान तरीका है उस पर आप शहरों पे लड़ाएं लोगों को और उस शहरों के ऊपर जो है ना उनको प्रोडक्टिवली लड़ाएँ तो उसके ऊपर पीपल विल गेट इंटरेस्टेड बिकॉज दे वुड वांट टू नो कि यार अच्छा मेरा इस्लामाबाद का लड़का जो है वो किधर तक पहुँच गया और फिर मैं अगले दफ़ा जब मैं अपने लोहरी फ्रेंड अगर उसने जीत गया अगर वो तो मैं अपने लोहरी फ्रेंड के ऊपर वन अप कर सकता हूँ कि भाई स्कॉच के ऊपर हम जीते हुए तो यू नो आप किधर बातें कर रहे हो सो आई मीन इट्स दीज आर वेरी बेसिक ह्यूमन बिहेवियर्स जिसके ऊपर हम बड़े आराम से इन चीज़ों को कमर्शलाइज कर सकते हैं इट बॉगल्स माई माइंड

um, you know, recommendations be late, so you can join that community and be in touch with us. But anyways, this, this was Sayyid Mazamilasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.